नमस्कार, वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं बजा रहा था अभी, ये है सी स्केल का भैरव थाट का कुछ कोड। ठीक है, तो आज मैं अभी बताऊंगा भैरव थाट का क्या क्या कोड होता है अगर आप सी स्केल से बजा रहे हैं। ऐसे तो अगर आप दूसरा स्केल में बजाएंगे तो फिर कोड का जो परिभाषा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज बताता हूँ क्या क्या कोड लगता है सी स्केल में और उसका रिदिम कैसे आमतौर पर आप बजा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो है सा रे धा कमल। ठीक है, तो उसी हिसाब से कोड क्या क्या होगा, सी मेजर, सी शार्प मेजर। ठीक है, अच्छा यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये है ई मेजर, फिर एफ माइनर। ठीक है, ई मेजर, एफ माइनर, फिर आपका ये हो गया, बस इतना। तो क्या क्या रहा, सी मेजर, सी शार्प मेजर, ई मेजर, ठीक है, फिर एफ माइनर, और एफ मेजर भी आप बजा सकते हैं, फिर वापस सी मेजर। ठीक है, तो उसको देखिए मैं कैसे इसको कॉर्डिनल फॉर्म में कैसे बजाता हूं। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, 1 2 3 1 2 3 2 1। ठीक है, उसको बीट के साथ। इसको अगर मैं एलाबोरेट करूंगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेज बाय स्टेज सिखाऊंगा कोड में कितना रिदिम कर सकते हैं, मतलब 3-3 फिंगर, 4-4 फिंगर, मतलब 8 फिंगर। तो ये सब चीज़ मतलब क्या है कि एक स्टेज बाय स्टेज जाता है। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप स्लो वर्सन में जाइए, फिर इसको स्पीड वर्सन में आइए। ठीक है ना, तो जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ताकि क्या है कि ये पियानो फॉर्मेट है, राइट तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कैसा लगा आप अपना जो एक्सपीरियंस कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।